हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता अच्छे ही होंगे। मैं हरी जावेद और आज मैं क्लास 9th की नेक्स्ट वीडियो लेने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ठीक है, मैटर के बारे में, उसके बाद गैस के बारे में एक्सप्लेन कर दिया था। मैंने एक क्वेश्चन दिया था कल कि ड्रा द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड लिक्विड गैस, तो बहुत लोग बना नहीं पा रहे थे, तो मैंने वीडियो में बनाया हूँ ऐसे। देखिए, ये होता है सॉलिड के पार्टिकल्स, एकदम फास्ट फास्ट होते हैं, क्लोजली पैक्ड, क्लोज पैक्ड सरफेस को कहते हैं, एकदम फास्ट फास्ट होते हैं, क्योंकि उनमें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा होता है। ये क्या होता है? क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर्स को कहते हैं, बहुत ज्यादा होता है। दूसरा होता है ना लिक्विड का, थोड़ा दूर दूर होता है, ठीक है, थोड़ा दूर दूर होता है। ये क्या होता है? ये क्या होता है सॉलिड, इनमें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स क्या होती है? ज्यादा होती है। ये क्या होता है लिक्विड, इनमें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स क्या होती है? कम होती है। और तीसरा जो होता है वो क्या होता है? गैस, बहुत दूर दूर पार्टिकल्स होता है, इनमें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स जो होती है वो सॉलिड और लिक्विड से भी कम होती है। तो ये लोग सोच रहे थे कि कैसे बनाया जाए, ठीक है। तो याद रखिएगा, सॉलिड में क्लोजली पैक्ड इनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर शो करते हैं। लिक्विड के अंदर क्या होती है? थोड़ा गैप होती है बीच में। और गैस के अंदर क्या होती है? ना के बराबर डिस्टेंस होती है। इनमें इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स क्या होती है? बहुत कम होती है ना। इनमें इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स क्या होती है? बहुत कम लगती है, इसलिए इनके पार्टिकल्स क्या होती है? बहुत दूर दूर होती है। तो बहुत लोग नहीं बना पा रहे थे, मैंने एक्सप्लेन किया था। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप गूगल से ना करें, प्लीज सी द वीडियो, वीडियो देखें, क्वेश्चन करें, जहां समझ में नहीं आ रहा है वहां पूछने की कोशिश करें। आप पूछ नहीं रहे हैं, क्वेश्चन समझ नहीं रहे हैं, वीडियो नहीं देख रहे हैं, तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, सबसे पहले कंप्लीट वीडियो देखें। मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, देखो लैब का। एक क्या लो, बीकर लो, ठीक है, एक और बीकर ले, और फिर एक और बीकर ले, ठीक है। ऐसा बीकर लो, उस पर पिस्टन लगा, पिस्टन का मतलब दबाने वाला, जिससे दबाया जा सके। ऐसे होती है पिस्टन, गोलाकार में होती है, ठीक है। ऐसे इस पर पिस्टन लगा दो जो दबाया जाता है, इस पर पिस्टन लगा, इसका नाम क्या है? पिस्टन, दबाने वाला एक इंस्ट्रूमेंट, इसका नाम क्या है? पिस्टन दबाने वाला इंस्ट्रूमेंट, इसका नाम है पिस्टन दबाने वाला इंस्ट्रूमेंट। अब क्या करो, पहले में क्या भर दो? बालू, क्या भर दो? सैंड भर दो। पहले में क्या भर दो? सैंड भर दिए, भर दिया सैंड, ठीक है, क्या भर दिया बाबू? सैंड। इसमें क्या भर दो? सैंड। और इसको दबाओ, तो ये दबेगा? नहीं दबेगा। क्यों नहीं दबेगा? क्योंकि ये क्या सॉलिड है, और सॉलिड के पार्टिकल्स जो होते हैं कैन नॉट बी कंप्रेस, जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उसको हम दबा नहीं सकते हैं, क्योंकि इनमें इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा होता है और वो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर शो करता है, इसलिए उसको हम दबा नहीं सकते हैं। तो सॉलिड में देखा जाए तो ये क्या होती है? क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर शो करती है, इसको हम दबा नहीं सकते हैं। दूसरे में क्या ले लो, इसलिए क्या है तो पढ़े पढ़े हैं कि सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, सॉलिड को हम दबा नहीं सकते हैं। अब इसमें बालू भर दो, अब बालू भर के दबाओ तो दबेगा? नहीं दबेगा। क्यों? क्योंकि सॉलिड क्या होते हैं? कभी दबता नहीं है। लिक्विड ले लो, यानी पानी इसमें भर दो, दूसरे वाले ए ले लिए, बी ले लिए, और सी ले लिए। तीसरे में, दूसरे में क्या भर दो? पानी भर दो, अब उसको दबाओ, दबेगा? नहीं दबेगा। ये भी क्या होती है? कैन नॉट कंप्रेस्ड, कैन नॉट बी कंप्रेस, इसको भी दबा नहीं सकते हैं, इसको भी दबा नहीं सकते हैं। गैस के पार्टिकल्स क्या होती है? दूर दूर होते हैं, इनमें इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ना के बराबर लगता है, इसको दबाएंगे क्या होगा? आसानी से क्या हो जाएगी? दब जाएगी, दब जाएगी। पिस्टन यहां भी आ सकती है। तो याद रखना, तो कोई पूछेगा कि सॉलिड कैन बी कंप्रेस्ड, तो सॉलिड को दबा सकते हैं? नहीं दबा सकते हैं। लिक्विड को दबा सकते हैं? नहीं दबा सकते। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड में पढ़े हैं कि लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, सॉलिड को दबा नहीं सकते हैं, लिक्विड को दबा नहीं सकते हैं, लेकिन गैस को क्या कर सकते हैं? आसानी से दबा देंगे, ठीक। आपने दो गैस पढ़े होंगे, एक गैस का नाम था एलपीजी, नाम सुने होंगे,
और दूसरा होता है सीएनजी। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, क्या होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। फिर सब एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ना, लिक्विफाइड का मतलब एक सिलेंडर होती है जो घर में यूज किया जाता है, देखे आप लोग सिलेंडर ऐसे शेप में होती है, ऐसे होती है, ये आपका सिलेंडर हो गए, ऐसे लगा रहता है, ऐसे रहती है, इसमें क्या होती है गैस भरी रहती है, और क्या हाईली प्रेशराइज करके हाईली दबा दबा कर गैस को कैसे छोड़ दे। आपसे कहा जाए कि एक किलो गैस हाथ में लेके आइए या डब्बा में लेके आते लेके आ जाएगी, नहीं उसको क्लोज ऐसा कंटेनर लेंगे, ऐसा बर्तन लेंगे जो क्लोजली क्या पैक्ड हो, कंप्लीट रूप से पैक्ड हो, उसके अंदर लेके आएंगे, इससे सिंपल लेके नहीं आएंगे, उसको किसी ऐसा कंटेनर लेके लाएंगे जो क्लोजली क्या पैक्ड स्ट्रक्चर हो, उसके अंदर हम गैस को भर करके लाएंगे। तो याद रखना एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसको दबा करके रखा जाता है। याद रखना जितनी भी गैस होती है उसको किसी कंटेनर के अंदर रखा जाए तो हाईली प्रेशराइज करके रखा, प्रेशराइज मतलब दबा करके रखा जाता है, ठीक है, उसको किसी कंटेनर के अंदर कंप्लीट रूप से भर दिया जाता है। समझ में आ रहा है? अब गुब्बारा फुला रहे, खोल दो तो क्या हो जाएगा, रुकेगा गैस, ऐसे फुला दिया फूल गया गुब्बारा, छोड़ देखा तुरंत गायब हो जाएगा, अब पकड़ के लाओ तो पकड़ पाएगा, आओ भैया गायब आओ, फिर उसको फुलाना पड़ेगा, ठीक है। गैस कभी रुकती नहीं है, कभी गैस एक जगह रुकती नहीं है, हमेशा क्या करती है मूवमेंट करती रहती है। समझ में आ गया? तो क्या फुल फॉर्म है एलपीजी का, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक, आगे चलते हैं, अगला टॉपिक है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन समझते हैं, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखा करें, ठीक है। द मूविंग ऑफ पार्टिकल्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, पार्टिकल्स का मूवमेंट होना हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, द मूविंग ऑफ पार्टिकल्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन एंड लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन नो एनी मेम्ब्रेन नोन एज डिफ्यूजन। द मूविंग ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स का मूवमेंट होना कहां से कहां तक, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ पार्टिकल्स का मूवमेंट होना क्या कहलाता है आपका, क्या कहलाता है डिफ्यूजन कहलाता है। जैसे घर में एक रूम ले, ठीक है, मान लो कि आपका ये रूम है, ठीक है, मान लीजिए कि ये आपका रूम है, बड़ा सा रूम है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये आपका रूम है, ठीक है, ये आपका दरवाजा मान लीजिए, तो ये आपका रूम मान लीजिए है, इस रूम में बड़ा सा है, आपको महकाना है कोई चीज, तो हम 5 किलो अगरबत्ती लाके लगा दें तो महक जाएगी, 5 किलो अगरबत्ती लगा दे तो, ठीक, हम क्या करेंगे एक अगरबत्ती लेके 5 किलो के कपे का पैसा, हम एक अगरबत्ती लाके जलाते तो उतना ही महक देगी। समझ आ रहा है ना, 5 किलो लगा के क्या करेंगे, क्योंकि एक अगरबत्ती जलाएंगे तो पूरा रूम महक जाएगा कि हाँ खुशबू आ रही है, क्यों, क्योंकि क्योंकि अगरबत्ती के पार्टिकल्स जो है वो क्या करते हैं कम कंसेंट्रेशन कम अमाउंट के जैसे कहाँ जाता है अधिक अमाउंट की तरफ जाते हैं, ठीक है, फैलते हैं स्प्रेडिंग करते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा, घर में खाना पकता है बेहतरीन खाना पकता है, यानी आज मान लो कि मम्मी बहुत बेहतरीन चीज बना रही है तो किचन में बना रही है, अब महक रहा है क्या दूसरे रूम में महक रहा है, तो पता चल जाता है कि वाह क्या आज खाना बन रहा है, क्या फ्लेवर है, क्या ये मतलब जीभ में पानी आने लगता है। समझ में आ रहा है ना, तुरंत क्या करते हैं मम्मी 5 प्लेट लाइए 10 रोटी, पटाख से लाते हो, पटाख से उसको साफा छुप कर देते, मतलब साफा खा जाते हो उसको, क्लियर हो गया। तो याद रखना, समझ में आ रहा है कि डिफ्यूजन क्या, हम डिफिकल्ट समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पार्टिकल्स का मूवमेंट होना लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ,
पार्टिकल्स क्या करते हैं, हमेशा मूवमेंट करते हैं लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ और हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। समझ में आया, पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है कहां से कहां तक, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ। तो समझ में डिफ्यूजन, ठीक। फिर से डिफ्यूजन बता दे, द मूविंग ऑफ पार्टिकल्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन एंड लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन नो एनी मेम्ब्रेन नोन एज डिफ्यूजन। द मूविंग ऑफ पार्टिकल्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन एंड लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन नो एनी मेम्ब्रेन। क्या अगर बत्ती जलाते तो कमरा में लेयर लगाते हैं, एक मेम्ब्रेन लगाते हैं, नहीं ना? ठीक। अब देखना किसकी किसके अंदर डिफ्यूजन होती है। तो पहला है डिफ्यूजन इन गैस, गैस का डिफ्यूजन, डिफ्यूजन इन लिक्विड, लिक्विड के अंदर डिफ्यूजन। और तीसरा है डिफ्यूजन इन सॉलिड के अंदर डिफ्यूजन, गैस के अंदर डिफ्यूजन, लिक्विड के अंदर डिफ्यूजन और सॉलिड के अंदर। देखो गैस अभी बता, अगरबत्ती का जलना, अगरबत्ती जला दीजिए और पूरे घर में आपका महक जाएगा। इसके अलावा बहुत चीजें, खाना पक रहा आपके घर में, पूरा घर महक जाएगा, या क्या बेहतरीन खाना बन रहा है आज, तो समझना है कई साल का भूखे हैं हम, खाना है इधर, ठीक है। तो किससे पता चलता है, पार्टिकल्स का मूवमेंट का वजह से आपको बेहतरीन चीज महक रही है हलवाई की दुकान पे, जैसे आप मिठाई बन रहा है या स्वीट्स बन रहा है, तो याद रखना कि महक पता चलेगी, वाह क्या महक आ रही है, ठीक, क्लियर। डिफ्यूजन लेकिन लिक्विड के अंदर कैसे, जैसे मान लो एक बीकर ले, एक शीशे का बर्तन ले, बीकर इसको बोलते हैं, लैब में होते इसको बीकर कहते हैं, और बीकर में थोड़े अमाउंट में पानी ले, इसमें एक बूंद कलर डाल दें, कलर एक बूंद डालें, कलर कोई भी कलर एक बूंद डालेंगे तो पूरा फैल जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा, पूरा फैल जाएगा, पूरा ये बीकर पूरा नीला कलर का, जिस कलर का उस पूरा कलर का हो जाएगा। इससे ये पता चलता है कि पार्टिकल्स क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। यहाँ का इसका अमाउंट क्या है, कम है, यानी स्मॉल कंसंट्रेशन यानी लो कंसंट्रेशन। और जब पानी में घुल रहा है तो कंसंट्रेशन क्या हो रही है, बढ़ रही है, यानी कंसंट्रेशन क्या हो रही है, हाई हो रही है। लो कंसंट्रेशन से कहां की तरफ, हाई कंसंट्रेशन की तरफ पार्टिकल्स क्या हो रही है, मूव कर रही है। कहां से कहां तक, लो कंसंट्रेशन यानी यहां जो रंग जो ले रहे हैं, जितना पानी लेंगे उतना रंग लेंगे, नहीं ना बाबू, जैसे इतना रंग लेंगे, इतनी से पानी लेंगे तो रंग बन जाएगी, नहीं, इतनी से रंग और इतना पानी लेंगे तब जाकर बढ़िया कलर बनेगा, ठीक है क्या। तो जो कम अमाउंट में ले रहे हैं वो क्या लो हो गया, लो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस नोन एज अ कंसंट्रेशन, लो हो गया। और कहां डालना है, इसके हाई कंसंट्रेशन में डालना है। तो पार्टिकल जब हाई कंसंट्रेशन में तो क्या होगा, फैलेगा, पार्टिकल्स क्या होगी, फैलेगी, किसकी, कलर की पार्टिकल्स क्या होगी, फैलेगी, और पूरा बीकर जो क्या हो जाएगा, कलर हो जाएगा। समझ में आ रहा, ठीक। इसके अलावा एक और एग्जांपल है कॉपर सल्फेट, इसका फार्मूला होता है CuSO4.5H2O, इसको बोला है नीला थोथा के नाम से बोला जाता है कॉपर सल्फेट। ये नीला कलर लैब में आओगे दिखा देंगे आपको, ये लैब में है। इसको क्या करो, पानी में डालोगे, और पानी में डालोगे तो पूरा पानी जो है ब्लू कलर का हो, एक बूंद डालोगे तो पूरा पानी किस कलर का हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। यानी इससे ये पता है कि इसके पार्टिकल्स क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, कहां से कहां तक, लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ। दो समझ में आते। अगला है लास्ट डिफ्यूजन इन सॉलिड, सॉलिड के अंदर डिफ्यूजन की असर होती है। जैसे हम चौक से लिखते हैं, बहुत दिन लगता है, लंबे समय तक लगता है। डिफ्यूजन इन सॉलिड वेरी वेरी स्लो प्रोसेस, डिफ्यूजन इन सॉलिड ना, जो सॉलिड के अंदर डिफ्यूजन होती है वेरी वेरी स्लो प्रोसेस, बहुत दिन में होती है। जैसे हम लिख दें चौक से, ब्लैक बोर्ड पर चौक लिखिए, 10 से 15 दिन बाद धीरे धीरे पार्टिकल्स जो कुछ गायब हो जाएंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ लंबे समय तक आया तो क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, क्योंकि पार्टिकल्स क्या होंगे, ब्लैक बोर्ड के डिफ्यूज हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, डिफ्यूज हो जाएंगे। समझ में आ रहा है, जैसे लोहे पे जंग लगना, लोहे पे जंग लाना का मतलब क्या हो गया, तुरंत लोहा खरीद के लाया, तुरंत जो लोहे पे जंग लग जाएगी, नहीं, लोहे पे जंग कब लगेगी, कुछ दिन बाद, कुछ समय बाद, कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद, क्या होगा, लोहे पे जंग लगेगी, धीरे धीरे लगेगी, तो पार्टिकल्स टूटेंगे, टूट के डिफ्यूज होंगे, मूवमेंट करेंगे, तब जाकर आपका क्या कहेगा, जंग,
जंग लग गया, किसके ऊपर, लोहे के ऊपर जंग लग गया। समझ में आ रहा कि नहीं? तो समझ, सबसे ज्यादा डिफ्यूजन किसमें होती है, गैस में। सब अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा गैस के अंदर डिफ्यूजन होती है, उसके बाद लिक्विड के अंदर होती है, उसके बाद सॉलिड के अंदर होती है। सबसे कम किसके अंदर होती है, सॉलिड के अंदर। सबसे कम डिफ्यूजन किसमें होगी, तो सॉलिड के अंदर। सबसे ज्यादा किसमें डिफ्यूजन होगी, गैस के अंदर। सबसे ज्यादा किसमें डिफ्यूजन होगी, गैस के अंदर। सबसे कम डिफ्यूजन किसमें होगी, सॉलिड। क्यों? क्योंकि इनमें इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा होता है, इसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा दिन की जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा समय की जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा टाइम की जरूरत पड़ती है। लिक्विड में क्या होती है, ठीक है, स्लो होता है, लेकिन गैस से थोड़ा स्लो होता है, सॉलिड से कम स्लो होता है। सॉलिड की कंपैरिजन में थोड़ा फास्ट होता है लिक्विड के अंदर। गैस बहुत तेजी से डिफ्यूजन करेगा, ठीक है। अभी लाफिंग गैस छोड़ दो, पता लगेगा कि तीन चार घर लोग जो है, अगल बगल वाले लोग भी क्या होंगे, फंसने लगेंगे। बस लाफिंग गैस छोड़ दो ना, गैस इतना तेजी से मूवमेंट करता है कि पूछना नहीं है, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है कि नहीं, गैस तेजी से मूवमेंट करता है, ठीक है। गैस क्या करता है, तेजी से हम बम जलाते हैं, तो बम जलाने पे पूरे गली में जाते, पूरा लगभग गली जो है महकने लगता है कि यहाँ बम फटा हुआ था या कोई चीज फटा हुआ था। इससे क्या पता चला कि गैस जो होते हैं पार्टिकल्स मूवमेंट करते हैं, और समझ में आ जाता है कि यहाँ गैस, यहाँ क्या हो रही है, बम फटा हुआ है, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास, ठीक है। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो देखा करें, जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, जहां समझ में नहीं आ रहा है, आप पूछने की कोशिश करिए, गूगल से ना करने की कोशिश करें। जब आप गूगल से करते हो तो दिल में चोट पहुंचती है, कम से कम अपने से कोशिश करें। थैंक यू, यहां तक कि आज क्लास, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।